मंसूरपुर थाना पुलिस ने महिलाओं के साथ जादू टोना, धोखाधड़ी कर नकदी व गहने आदि सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन अभियुक्त गणों को कुछ दिन पहले ही चोरी किए गए सामान के सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के गहने व घटना में प्रयोग की गई कार को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि कल 28 जून को अंजू पत्नी वेदपाल निवासी ग्राम अजमतगढ़ थाना मंसूरपुर द्वारा थाने में तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि मेडिकल कॉलेज बेगरजपुर के पास बस स्टैंड पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसी समय उसके साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा जादू टोना में धोखाधड़ी करके उसका बैग जिसमें मोबाइल फोन, मेडिकल आईडी कार्ड, बैंक की पासबुक तथा पीली धातु के कुंडल रखे हुए थे चुरा लिए गए। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन भी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा गहनता से जानकारी करते हुए आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मंगलवार को पुलिस ने नावला मोड़ से तीन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शिव सिंह, पुत्र निरंजन सिंह, निवासी ग्राम भदेक थाना कुठौन जिला जालौन, हाल निवासी कांजीराम कॉलोनी विजयनगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद, शहजाद पुत्र याकूब निवासी कलंदर कॉलोनी दिलशाद गार्डन तक थाना सीमापुरी दिल्ली तथा मोइन खान पुत्र फिरोज अली निवासी झुग्गी नंबर 22 कलंदर कॉलोनी दुर्गा चौक थाना गुर्जर चौक भलसवाद दिल्ली बताया। आरोपियों ने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर मासूम औरतों को अपनी बातों में लगाकर जादू टोना के नाम पर केमिकल का प्रयोग करके उनसे नकदी व गहने आदि सामान की चोरी कर लेते थे तथा चोरी किए गए सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे।